हेलो जी, मुझे कहते हैं हिरा मानी और कॉफ़ी फेंटने की आवाज़ आपको ज़रूर आ रही होगी। वहाँ पे कॉफ़ी बन रही है और यहाँ पे मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ अपना। छोटी मोटी एक्टर हूँ और मानी की बीवी हूँ, जानते होंगे आप सब। अगला प्रोजेक्ट मेरा ड्रामा ही है और डिफरेंट रोल्स, मुझे लगता है एक तरह के स्क्रिप्ट होते हैं सारे, लेकिन आप उसको अपने एक्ट से या आप उसको अपने कपड़ों से या बालों से चेंज कर देते हैं। और थोड़ी सी पहले असल में इजी होता था एक एक्टर को अपनी एक्टिंग से मनवाना कि वो टॉपिक्स बहुत यूनिक होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल रेप का अगर कंटेंट है और तो वो वन ऑफ होता था और वो हिट हो जाता था। लेकिन अब इस तरह के डार्क पेज इतने बन रहे हैं कि आप अपनी एक्टिंग से ही उसको डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो अब बहुत एक जैसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये कि ड्रामा ही है, आप देखेंगे मैं अपना ये डिफरेंट वर्ड खुद तो खैर कभी नहीं यूज़ करती कि मैं बहुत डिफरेंट काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या काम कर रही हूँ। लेकिन अभी एक जो ये ड्रामा है, ये इसकी स्टोरी वाकई डिफरेंट है, तो वो आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। मानी प्रोफेशनल वर्ड्स तो सिर्फ ऑफिस में होते हैं और प्रोफेशनली आप सिर्फ काम में होते हैं, और वो हमारे जो काम है ना, इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं हो सकता क्योंकि ये है ही नहीं। आपका 2 बजे का कॉल टाइम होता है, आप 3 बजे आते हैं, तो ये खाली लोग बोलते हैं कि हम प्रोफेशनल हैं। यहाँ पे कोई प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि काम आर्टिस्ट ऐसे ही होता है बस। वो मानी जो है वो हम दोनों में से कोई प्रोफेशनल नहीं है अपनी ज़िंदगियों में, लेकिन हाँ अपने काम को लेके हम प्रोफेशनल हैं। मेरी शक्ल क्या बताती है आपको, कमाल है मानी तो, मेरी आंखों का तारा है, जानू है और ग्रेट इंसान है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उसने मुझे बताया कि इनसिक्योरिटी कोई वर्ड ही नहीं होता, जेलस कोई एक्सिस्ट ही नहीं करते वर्ड्स। ये आपको एक ऐसी जगह पे अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बीवी को आप ऐसी जगह पे खड़ा कर दें कि वो उसको खुद फील होने लगे कि वो कुछ है। मैं 0 एम्बिशियस वाली लड़की थी, उसने मुझे हिरा मानी बना दिया। तो डिप्रेशन वो है जब आप फेक हो जाएं और आप फेक वर्ल्ड में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और जो आप वो नहीं हो तो आपको डिप्रेशन ही होगा ना। फिर तो साइकेट्रिस्ट के पास ही लाइन लगेगी। तो शेयरिंग, चीज़ें देना, एक्सेप्ट करना, लोगों को प्यार करना, ह्यूमैनिटी, आपको इन सारी चीज़ों से बहुत दूर ले जाता है। तो बेसिकली वो जगानी बहुत ज़रूरी होती है। पता नहीं यार, दोनों चीज़ें बेस्ट हैं। मुझे तो यहाँ पे हमारे किमाड़ी के बीच में बड़ा मज़ा आता है, और मुझे विंटर वंडरलैंड में दुनिया तकरीबन घूमी हुई हूँ, तो ये वाली चीज़ें हाँ सही। आई थिंक आप खुद ही वंडरलैंड होते हैं, कहीं पे भी जाएं वंडर मचा देते हैं, तो यस। सारे ट्रिप्स ही बेस्ट हैं और मैं तो ट्रिप पे ही हूँ पूरे, जब से शादी हुई है तो एक ट्रिप चल रहा है जो कि 11 साल हो गए हैं, वो ट्रिप चल ही रहा है। अंडरस्टैंड ईच अदर, रिलेशनशिप्स में हावी नहीं होना होता, अंडरस्टैंड करना होता है और समझना होता है। बीइंग अ सेलिब्रिटी कपल सबसे मुश्किल क्या है? कुछ भी नहीं। नींद आती नहीं सारी सारी रात, कोई तुझसे कहे मेरे दिल की बात, एक तू जो नहीं आज मेरे साथ, मुझको वीरान लगे सारी कायनात। ना जुदा,
मैं मैसेज कोई नहीं दूंगी यार, जिंदगी में रिलैक्स रहें, जो है उसमें खुश रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और हम्बल रहें और रिलैक्स रहें। ह्यूमैनिटी, नरम दिल, लोगों को अंडरस्टैंड करना ऊपर से ना है यार। आप ज़्यादा जानते हैं ना तो आप सिखा दें, हावी ना हो। थैंक यू।